स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर कुमार स्वामी आज बीएससी फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के लिए लाया हूँ सेकंड पार्ट। मॉलिक्यूलर फिजिक्स जो लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था उसी का सेकंड पार्ट है ये। इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो है रमन इफेक्ट, और रमन इफेक्ट जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, इवन बायोलॉजी के स्टूडेंट्स लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इस टॉपिक को हम लोग थोड़ा सा इंटरेस्टिंग करके पढ़ेंगे, और स्लाइड्स भी मैंने जो बनाई है मोस्टली जो है हमने एनिमेशंस यूज़ किए हैं ताकि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आए। तो ये टॉपिक बाकी सब टॉपिक से थोड़ा हटके होगा, तो इस टॉपिक को आप अच्छे से समझिए ताकि आपको बहुत सारे कंसेप्ट इससे क्लियर हो जाएंगे। इवन ट्वेल्थ के जो स्टूडेंट हैं, टेंथ के जो स्टूडेंट्स हैं, जो हम लोग जो आसमान नीला क्यों है, वाई स्काई अपियर्स ब्लू, इस टाइप के जो क्वेश्चंस जो हैं वो यहीं से स्टार्ट होते हैं। स्कैटरिंग का जो इफेक्ट है वो भी यहीं से चालू हो गया, तो इसलिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम लोग अच्छे से समझेंगे, और वीडियो लेक्चर में जो एनिमेशंस हैं वो आपको बहुत ही अच्छा क्लियर करेगा, ये मैं आज होप करता हूँ। तो इसी के साथ मैं टॉपिक स्टार्ट करता हूँ, रमन इफेक्ट। तो रमन इफेक्ट जिनके नाम पर जो है आज 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे मनाया जाता है, क्योंकि 28 फरवरी को ही जो है इनको नोबेल प्राइज़ मिला था इस इफेक्ट के लिए, रमन इफेक्ट के लिए। तो रमन इवन जो सी का जो ब्लू कलर है उसको देख के इन्होंने सोचा कि ये ब्लू क्यों होता है, और उन्होंने वहाँ से एक क्यूरियोसिटी उनके मन में आई कि ये कलर जो है वो नीला क्यों है, या आसमान नीला क्यों है। और उस समय कई सारे साइंटिस्ट जो है इस पर अपनी अपनी थ्योरी डेवलप कर रहे थे, तो रमन ने इस पर काम करना स्टार्ट किया। आंध्रा यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे ये, और विशाखापट्टनम से, और काफ़ी अच्छा काम किया। आज इनके कारण जो है हमारा जो साइंस है, हमारा विज्ञान जो है आज इस मुकाम में है कि ये हमारे भारत के, वैसे तो ये जो इंडिपेंडेंस से पहले की बात है, लेकिन फिर भी जो भारतीयों को जो सम्मान यहाँ से स्टार्ट हुआ, तो रमन इफेक्ट से आज भी बहुत सारी थ्योरीज जुड़ी हुई है। और आज भी जो है इनकी स्पेक्ट्रोस्कोपी से बहुत सारे मटेरियल का जो करेक्टराइजेशन है वो हम लोग निकाल सकते हैं। तो रमन इफेक्ट को समझने से पहले हमको स्कैटरिंग समझना पड़ेगा। स्कैटरिंग क्या है, तो पहले हम समझते हैं स्कैटरिंग क्या है। तो स्कैटरिंग जो होती है, सिंपल आप ये समझें कि जब लाइट जो है किसी भी मैटर पे पड़ती है तो टकरा कर जो उसमें से जो इधर उधर बिखर जाती है उसी को हम लोग स्कैटरिंग कहते हैं, प्रकीर्णन बोलते हैं इसको हिंदी में। ये मोस्टली तीन टाइप का होता है। रमन इफेक्ट्स के पहले भी जो है दो इफेक्ट्स जाने जाते हैं, जो आसमान का जो नीला कलर है वो भी समझने के लिए हम लोग रेले स्कैटरिंग का यूज़ करते हैं। तो रेले स्कैटरिंग में ये होता है कि जब प्रकाश किरण पदार्थ के से टकराती है तो उसकी फ्रिक्वेंसी में चेंज नहीं होती, और जो फ्रिक्वेंसी जो आवृत्ति हम देख पाते हैं उसमें वो प्रकीर्णित होती है। कॉम्प्टन प्रभाव में यहाँ पर फोटोन की जो आवृत्ति है प्रकाश की आवृत्ति से, मतलब जो आपतित प्रकाश की आवृत्ति से सदैव कम होती है, लेकिन रमन स्कैटरिंग एक यूनिक फीचर है जिसमें दो टाइप की फ्रिक्वेंसी जो मिलेगी, सेंटर जो फ्रिक्वेंसी है उसके साथ में एक तरफ कम और एक तरफ अधिक वाली फ्रिक्वेंसी यहाँ पर मिलेंगी। इसी को हम लोग रमन स्कैटरिंग या इसी को रमन इफेक्ट कहा जाता है। कुछ एनिमेशन अभी मैं आगे बताऊंगा आपको, और भी स्कैटरिंग क्लियर होगा। तो यहाँ पर जैसे देखेंगे कि सबसे ऊपर वाले फिगर में ये एक बॉक्स है जिसमें कुछ गैस है, जिसमें जो टॉर्च ग्लो हो रहा है यहाँ पर, और आप देखेंगे कि जैसे टॉर्च ग्लो हो रहा है तो ये जो लाइट है उसके अंदर जितने पार्टिकल्स से टकरा रहा है, उस पार्टिकल से टकराने के कारण उसमें जो स्कैटरिंग हो रही है, उसमें स्कैटरिंग के कारण जो है हमको कलर्स जो है यहाँ पे मिल रहे हैं। तो ये डायग्राम पे थोड़ा सा ध्यान देंगे आपको क्लियर होगा कि स्कैटरिंग क्या है। तो स्कैटरिंग इस जो सिंपल जो है, जब लाइट पार्टिकल से टकराएगी तो वो जो कलर या वो जो स्कैटर होगी, इधर उधर जो लाइट फैलेगी उसी को स्कैटरिंग बोलते हैं। जैसे ये नीचे जो फिगर है उसमें भी यही चीज़ बताना चाह रहे हैं हम लोग कि लाइट जैसे टकराएगी तो वो चारों तरफ बिखर जाएगी, तो इसी को स्कैटरिंग कहते हैं। और इसमें हम लोग अगर रैले की स्कैटरिंग की बात करें तो रैले की स्कैटरिंग में आप देख सकते हैं कि लाइट जैसे जैसे सनलाइट है आसमान में बादल पे पड़ती है, तो
तो यहाँ पर बहुत सारे कलर्स जो है उसमें से स्कैटर होगी। अब ये स्कैटर होगी तो हम वही कलर देख पाएंगे जिसकी मतलब इंटेंसिटी हमेशा वेवलेंथ के सब जो फोर्थ पावर के प्रोपोर्शनल होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो हम लोग को जो ब्लू कलर है वो विजिबल होता है इसका, इसलिए जो स्काई का जो कलर है वो हमेशा ब्लू होता है। तो यहाँ से ये कंसेप्ट स्टार्ट होता है रेले स्कैटरिंग का। तो ये स्कैटरिंग का एक फंडामेंटल है। स्कैटरिंग होता क्या है, रेले के बाद में जो बात आती है कॉम्पटन इफेक्ट की। कॉम्पटन इफेक्ट में भी ये एनिमेशन देखिए कि जब फोटोन जो है वो जो इलेक्ट्रॉन से जब टकराता है तो टकराने के बाद वो एक डायरेक्शन में मूव हो जाता है। मतलब इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में मूव हो जाता है और फोटोन एक डायरेक्शन में मूव हो जाता है, और उनके बीच का जो एंगल होता है वो स्कैटरिंग एंगल होता है। और फ्रिक्वेंसी में जो शिफ्ट होता है, मतलब इंसिडेंट फोटोन और स्कैटर्ड फोटोन के बीच में जो एंगल आ जाता है उसको हम लोग स्कैटरिंग एंगल, और ये जो इफेक्ट होता है इसको हम लोग कॉम्पटन इफेक्ट कहते हैं। तो कॉम्पटन इफेक्ट में जैसे मैंने बताया कि फ्रिक्वेंसी जो है वो कम हो जाती है, जितना इंसिडेंट है उससे कम हो जाती है, तो ये कॉम्पटन इफेक्ट है। लेकिन अभी हम लोग रेले और कॉम्पटन पे डिस्कस नहीं करेंगे, हम लोग रमन इफेक्ट पे डिस्कस करेंगे। तो रमन इफेक्ट में जो स्कैटरिंग होती है वो इसी, उसका बेस एक्चुअली यही है, इसलिए यहाँ से पढ़ना स्टार्टिंग करना ज़रूरी है। और ये जो एनिमेशंस हैं इससे आपको बहुत आसानी समझ में आएगा कि क्या हो रहा है यहाँ पर, स्कैटरिंग है क्या। तो अभी हम लोग जो रमन इफेक्ट और कॉम्पटन इफेक्ट के बीच का अगर डिफरेंस देखें तो रमन इफेक्ट जो है वो इंफ्रारेड रीजन में हमको मिलता है, मतलब जो इसका जो आउटपुट होगा निर्गत होगा, जबकि कॉम्पटन में जो है एक्स रेंज में मिलेगा। एक्सरे किरणें की जो रेंज होती है 0.1 से लेकर 100 एंगस्ट्रॉम तक का जो मिलेगा। और यहाँ पर रमन इफेक्ट में आपके पास दो फ्रिक्वेंसी मिलेगी, एक कम और एक ज़्यादा। और लेकिन कॉम्पटन में हमेशा जो शिफ्ट होता है वो इंसिडेंट से हमेशा कम होता है, आपतित कृष्ण प्रकाश से हमेशा कम होगा। और यहाँ पर जो रमन इफेक्ट है वो मटेरियल की प्रकृति के आधार पर होता है, लेकिन कॉम्पटन जो इफेक्ट होता है वो डिपेंड करता है कि फोटोन किस एंगल पे टकरा रहा है और किस एंगल से वो इंसिडेंट होकर बाहर निकल रहा है, उस पर डिपेंड करेगा। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट जो डिफरेंस है वो ये है कि जो रमन इफेक्ट में जो भी हमको यहाँ पर आउटपुट में मिलता है, जो बैंड्स मिल रहे हैं लेफ्ट में और राइट में, वो इनके घूर्णन और कांपनिक जो संक्रमण है, रोटेशनल और वाइब्रेशनल जो ट्रांजिशंस हैं उसके कारण मिलता है। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में बताया था कि एटम का जो है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, रोटेशनल ट्रांजिशन और वाइब्रेशनल ट्रांजिशन, ये तीन ट्रांजिशंस होते हैं। और रमन इफेक्ट जो है मोस्टली जो है वो रोटेशनल और वाइब्रेशनल्स पे डिपेंड करता है, जबकि कॉम्पटन जो है वो एनर्जी लॉस कितना हो रहा है और लॉस ऑफ एनर्जी के हिसाब से यहाँ पर जो है कॉम्पटन इफेक्ट हमको मिलता है। तो ये बेसिक जो है चार डिफरेंस है रमन इफेक्ट और कॉम्पटन इफेक्ट में। इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि रमन इफेक्ट और कॉम्पटन इफेक्ट में बेसिक डिफरेंस क्या है। जैसे यहाँ पर हम देखें कि जब अगर लेज़र का जो सोर्स है, लेज़र से जब लाइट है वो एक जब एटम में पड़ती है तो उसमें से टकराने के बाद में जो स्कैटरिंग होगी, अगर मान लीजिए कि फ्रिक्वेंसी में कोई चेंज नहीं होता तो वो रेले स्कैटरिंग होगी। अगर उसकी फ्रिक्वेंसी में चेंजेस आ रहे हैं प्लस और या माइनस में, तो इस ये जो है रमन स्कैटरिंग कहलाएगा। तो ये पिक्चर से बहुत ही इजीली क्लियर हो जाता है कि रमन स्कैटरिंग और रेले स्कैटरिंग में क्या डिफरेंस है। स्कैटरिंग जो है वो बहुत इजी है समझना है कि स्कैटरिंग में जैसे पहले डायग्राम मैंने बताया था कि स्कैटरिंग इज नथिंग बट इसका मतलब लाइट जब पड़ेगी किसी पार्टिकल पे तो पार्टिकल में टकरा कर जो इधर उधर जो बिखर जाएंगी तो उसको हम लोग स्कैटरिंग बोलते हैं। तो ये थोड़ा सा कंसेप्ट वाइज आप समझ लेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें क्लियर हो जाएंगी और कभी नहीं भूलेंगे आप इस टॉपिक को। और रमन इफेक्ट की बात करेंगे तो वही लेज़र बीम जब जब मैटर पे इंसिडेंट होगी तो यहाँ पर जो वेवलेंथ है एक तो लेज़र के वेवलेंथ से कम मिली है और एक तरफ ज़्यादा मिली है। तो ये जो पार्ट है इसको हम लोग एंटी स्टोक लाइन बोलेंगे और एक इसको बोलेंगे स्टोक लाइन बोलेंगे। और बीच में जो जो फ्रिक्वेंसी जो सेम है वो उसको हम लोग बेसिक रेले स्कैटरिंग
के फॉर्म में ही समझ सकते हैं। तो ये आपका रमन इफेक्ट को समझने का बहुत ही इजी तरीका है कि लाइट जब पार्टिकल से जब टकराएगा तो ये जो स्कैटरिंग होगी वो दो पार्ट में होगी। एक जो वेवलेंथ है, तरंग दैर्ध्य है, वो आपतित तरंग दैर्ध्य, इंसिडेंट तरंग दैर्ध्य, इंसिडेंट जो फिर जो वेवलेंथ है उससे जो है कम मिलेगी और एक में ज़्यादा मिलेगी। तो कम वाले को हम लोग एंटी स्टोक या प्रति स्टोक रमन स्कैटरिंग बोलते हैं, और जहाँ ज़्यादा मिलेगी उसको स्टोक रमन स्कैटरिंग बोलेंगे। तो ये दो जो है समझने के लिए बहुत ही आसान है और इसको बहुत जल्दी आप कैच कर सकते हैं। और अब वो बात आती है कि रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, रमन इफेक्ट का यूज़ करके हम लोग जो मटेरियल्स हैं उसका कैरेक्टरिस्टिक हम निकाल सकते हैं, रोटेशनल उसके एनर्जी लेवल्स कैसे होंगे, कैसा है वो बिहेव करेगा, है ना, और क्या इसमें आउटपुट आ सकते हैं, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, वो हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। तो रमन स्पेक्ट्रोस्कोपिक में एक पूरा सेटअप होता है, उस सेटअप के अलग अलग पार्ट्स हम लोग अभी समझेंगे। तो सबसे पहले इस सेटअप के पार्ट में जो समझने का है, यहाँ पर एक और जैसे यहाँ पर हमारे पास एक सैंपल है और सैंपल पे हमने लाइट का इंसिडेंट किया, और लाइट का इंसिडेंट करने के बाद में जो स्कैटरिंग जो है उस स्कैटरिंग इंटेंसिटी को जो है हमने रिकॉर्ड किया है। बेसिक जो कंसेप्ट है वो यही है, जैसे ये मोनोक्रोमेटिक लाइट है तो मोनोक्रोमेटिक लाइट जब एब्जॉर्ब होगा, एब्जॉर्ब होने के बाद में यहाँ पर बाकी जो पार्ट है वो स्कैटर्ड हो गया, स्कैटर्ड होने के बाद में जो स्कैटरिंग की जो इंटेंसिटी है उसको रिकॉर्ड करने के लिए हम लोग डिटेक्टर्स यूज़ करेंगे। तो ये बेसिक कंसेप्ट है रमन इफेक्ट का। इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप अगर हम देखें तो एक्सपेरिमेंटल सेटअप में हमारे पास जो है यहाँ पर ये सेटअप है, इसमें हम लोग करीब 4358 एंगस्ट्रॉम का मरकरी आर्क लैंप हम यूज़ करते हैं, और ये जो मरकरी आर्क लैंप है इससे लाइट जो है एक सोडियम नाइट्रेट से भरा हुआ एक वाटर ट्यूब होता है जो कि एक लेंस की तरह बिहेव करता है, व्यवहार करता है, उससे टकराने के बाद में ये जो पायरेक्स जो कांच की जो नली है और एक जैकेट बना हुआ है इसके ऊपर, उसके अंदर जो वाटर का एक जैकेट है, कूलिंग कूलिंग का यहाँ पूरा अरेंजमेंट है, यहाँ कूलिंग का अरेंजमेंट होता है, वाटर कंटिन्यूस सप्लाई करते रहते हैं, इनलेट और आउटलेट दोनों होता है। और यहाँ पर जो सैंपल है, जो मटेरियल है जिसका कैरेक्टरिस्टिक हमको निकालना है, जिसका स्कैटरिंग जो इंटेंसिटी जो है वो निकालने हैं, उसको हम लोग पायरेक्स कांच की जो नली है उसके अंदर उस सैंपल को घोल के, पानी में लिक्विड में घोल कर यहाँ पर इसको फिट करते हैं, और फिट करने के बाद में यहाँ पर जो लाइट जो इसमें पड़ रही है, तो लाइट जब इसमें पड़ेगी तो क्या होगा, स्कैटरिंग होगा। तो स्कैटरिंग का जो लेफ्ट वाला पार्ट है उसको पूरा का पूरा रोकने के लिए, एब्जॉर्ब करने के लिए पूरा का पूरा पार्ट हम लोग ब्लैक पेंट से पेंट कर देंगे, और यहाँ से जो स्कैटरिंग होगा, यहाँ पर एक विंडो है यहाँ पे और एक स्लिट्स हैं, और उसके थ्रू जो है इस लेंस के थ्रू यहाँ स्पेक्ट्रोग्राफ है वहाँ पर हम लोग रिकॉर्डिंग करेंगे। तो यहाँ पर ये जो ट्रांसपेरेंट मीडियम है और ये जो पूरा पार्ट है, ये जो ऊपर में आपको दिख रहा है, ये रिफ्लेक्टर्स हैं। तो रिफ्लेक्टर्स क्या है कि लाइट जो भी इधर उधर से जो जाएगी उसको सिर्फ उसी मटेरियल पे फोकस करने के लिए यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा जो इंस्ट्रूमेंट है, अभी जो कमर्शियल इंस्ट्रूमेंट है उसका डिज़ाइन काफ़ी अलग होता है, ये एक बेसिक इंस्ट्रूमेंट है जिसमें हम लोग मटेरियल को किस तरीके से फिक्स करते हैं और किस तरीके का अरेंजमेंट होता है और उससे आउटपुट जो इंटेंसिटीज़ हैं उसको कैसे रिकॉर्ड करते हैं, एंटी स्टोक लाइन या स्टोक लाइन जो रिकॉर्ड करना है वो स्पेक्ट्रोग्राफ के थ्रू जो होना है, इंटेंसिटीज़ देखा जाए तो रिकॉर्ड होगी। तो और यहाँ पर एक सोर्स यहाँ पर एस है, और यहाँ पे जो टारगेट है वो पायरेक्स जो कांच की नली है उसके अंदर जो मटेरियल को हमने डिस्पर्स करके रखा हुआ है वही है, और ये पूरा ट्रांसपेरेंट जो सिस्टम है, और यहाँ पर जो स्लिट्स के थ्रू जो आउटपुट है उसको स्पेक्ट्रोग्राफ से हम रिकॉर्ड करके आउटपुट देखते हैं। तो ये एक कमर्शियल सेटअप है रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का।
आप गूगल करेंगे तो आपको इस टाइप के डायग्राम्स कम मिलेंगे, आपको बहुत ही हाई फाई डायग्राम्स मिलेंगे। आज के टाइम में ये जो सोर्स है, ये सोर्स जो है लेज़र में शिफ्ट हो गया है, और लेज़र के थ्रू जो है उसको पूरा का पूरा इसी सैंपल के ऊपर फोकस करते हैं और इंटेंसिटी को जो है रिकॉर्ड किया जाता है। अभी के जो सेटअप्स से ऐसे होते हैं, लेकिन हम लोग अभी इनिशियल लेवल पे हम लोग ये समझ सकते हैं कि दिस इज़ द बेसिक अरेंजमेंट, एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट, जिससे हम लोग जो रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी को जो है वो समझ सकते हैं। तो अभी समझने के हिसाब से ये काफ़ी इजी सेटअप है, और इसका यूज़ हम लोग बायोलॉजी में, केमिस्ट्री में, इवन हर फील्ड में, साइंस में इसका रमन इफेक्ट का यूज़ करते हैं। इसके बाद एक छोटा सा वीडियो मैं और बनाऊंगा, जिसमें इसका जो अप्रोच है, इसकी व्याख्या जो है वो क्लासिकल में किस प्रकार से की गई और क्वांटम में किस प्रकार से की गई और इसका उपयोग क्या है, इसके गुण क्या है, ये पार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये इतना पार्ट जो है आप अच्छे से समझ लीजिए। इसमें जो भी डाउट होगा, ये बेसिक लेवल पे जो स्लाइड्स हैं उसको आप जो भी डाउट है वो पूछ सकते हैं, और ये जो टॉपिक अगर आपको क्लियर हो जाता है तो आप ये मान लीजिए कि बीएससी फाइनल ईयर में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट जो है वो आपने सिक्योर कर लिया। रमन प्रभाव क्या है, उसके गुण क्या है, उसकी विशेषता क्या है, और इससे किस प्रकार से किसी भी जो पदार्थ का जो है गुणधर्म ज्ञात कर सकते हैं, इस प्रकार के जो क्वेश्चन है कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज और एप्लीकेशंस के ऊपर, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी के ऊपर आप लोग इजीली इसमें से सॉल्व कर सकते हैं।